मानव नेहा देखो सजावट कितनी अच्छी हो रही है, सर बहुत खुश होंगे। सजावट से ज्यादा वो तेरी ड्रेस को देख के खुश हो जाएंगे, देखना ये फैशन का तू ही जीतेगी। नहीं पिग्गी, इस फैशन शो के ट्रॉफी पे सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का नाम लिखा हुआ है। क्या मोंटू बस अब ट्रॉफी पे नाम भी लिख के आ गए पर मुझे बताया नहीं, ये गलत बात है, गलत बात। ये वकूफ, वो तो मैं एक डायलॉग मार रहा था पर इस डायलॉग का मतलब ये है कि कंपटीशन सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जीतेगा, समझा? कद्दू कद्दू मिलेगा आपको, वो भी सड़ा हुआ। अरे बॉस, अगर आपको ये कंपटीशन जीतना ना तो चित्रंजन दास, मनोरंजन दास चोटर जी उर्फ चिट्टू, उसका छाता यूज करना पड़ेगा। छाता? नहीं, मैं वो छाता किसी भी कीमत पे यूज नहीं करूंगा, तुझे पता है ना उस छाते ने मेरी कैसी हालत कर दी थी। अरे बॉस, अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लोगे ना तो पिग्गीलोग की कंपटीशन जीत जाएंगे। ठीक है, पिग्गीलोग को हराने के लिए मैं ये छाता यूज करूंगा, तो वो छाता यूज करने से पहले मैं इन पिग्गीयों के उस छाते से बैंड बजाऊंगा। ये बॉस आराम से बोलो, अगर सर ने सुन लिया ना तो आपको कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बेवकूफ रोहित, मेरे पास इसका इलाज है, देखना मैं ऐसा बेस चेंज करके आऊंगा। सर को क्या, इन पिग्गीयों को भी नहीं पता चलेगा। मानव के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। महाविनाशनी, छोड़ दो मेरी माँ को, ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी है। नहीं बालवीर, ये तुम्हारी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। जहां आज अच्छाई हारेगी और बुराई हमेशा के लिए जीत जाएगी। बहुत हो गया माँ बेटे का मिलन, अब चलो मेरे साथ। माँ, माँ, बेटा बालवीर, बेटा, ओ देखो, महाविनाशनी, मेरी माँ को छोड़ दो। कर लो अपनी माँ के अंतिम दर्शन बालवीर, जिस कमरे में वो कैद है उसकी दीवारें आगे बढ़कर टकराएंगी और बिना अपनी शक्ति हो के तुम एक साधारण बालक हो बालवीर। अपनी माँ को बचाना तो दूर, तुम अपनी माँ तक पहुंच भी नहीं पाओगे। महाविनाशनी, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मेरी माँ ने? जन्म दिया है तुम्हें मेरे सबसे बड़े दुश्मन को, इस गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो अलविदा बालवीर, कर दो अपनी माँ को विदा और अपनी बची हुई जिंदगी इस मायावी महल में बिता देना तड़पते हुए, क्योंकि कोई नहीं आएगा। एक बार ये शेरवानी ठीक से पहन के छाते के साथ रैंप पे उड़ के उतरने का रिहर्सल करता हूँ।
करो बॉस बटन मत। ये बटन बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे मोंटू बॉस, दो लार्ज पिज्जा खाने के बाद आपने इस ड्रेस को पहन लिया, वही बड़ी बात है। मोंटू बॉस, जब ये दोनों पिज्जा हजम हो जाएंगे ना, तब ये अपने आप बटन लग जाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जो सोचता है वो कभी नहीं करता। राइट। हाँ। ये बकुक कहीं के मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी जो सोचता है ना वो करके दिखाता है। अब देख, ऐसे ऐसे ये बटन बंद हो जाएंगे। करो। पेट अंदर लो। चले गए क्या? जिंदा है। वेरी गुड। वन डाउन, टेन टू गो। कौन मंडो बस? बताओ। हो गया। बस। बहुत हो गई मेहनत। अभी इतनी मेहनत की है, तो खाना तो बनता है। हाँ, बनता है। चलो मंडो बस, खाते हैं। क्या? खाते हैं। खाता हूँ। नहीं मोंटू बॉस, समझ गया तुझको। अकेले अकेले खाने का यही नतीजा होता है। एनीवेज बॉस, बॉस ये ड्रेस का तो होके ही रहेगा, लेकिन मोंटू बॉस अब आप हेयर स्टाइल बना लो, उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स है। सच्ची? हाँ बॉस, आपको पता है ना, आपका चेला कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ राइट। अब देखना, ऐसी हेयर स्टाइल बनाऊंगा, ऐसी हेयर स्टाइल बनाऊंगा। ये सारे मार्क्स मेरे पास ही आएंगे। सारे मार्क्स आपके पास आएंगे। मोंटू बॉस, आपके अपने बालों में महाचिप को गम लगाने वाले, इस सब मार्क्स आके आपके बालों में चिपक जाएंगे। बेवकूफ, मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। प्लान ये क्या है बॉस? ये हाँ, ये मेरा हेयर स्टाइल है। हेयर स्टाइल ये बैग में? हाँ, मैंने मेरे ग्रेटेस्ट चाची के द ग्रेटेस्ट ब्यूटी से बहुत सारे बीज लाए, अभी इन्हें ट्राई करके देखता हूँ। तेरे नाम आज खुश तो बहुत हुए होगे तुम। नहीं नहीं, मैं तो खुश नहीं हो रहा। है? हाहा, ये वाला मेरा फाइनल वीक है। वाव, क्या मोंटू बॉस, आपको यही वीक मिली? हाँ, ये लास्ट है और बेस्ट है। ले, तू भी ये वीक पहन ले। हा? और चल, हम टीचर्स को जाके इम्प्रेस करते हैं। जल्दी पहन। वाह, अरे अरे अरे, चलो बस। बालवीर, मैं यहाँ हूँ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ।
चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। हाँ बेटा। लगता है ये वही रास्ता है जो मुझे माँ के पास पहुंचा सकता है। वो खुश नहीं हो रहे, वो आपको मजाक उड़ा रहे। ओए चिंटू, चल तू मुझे एक बात बता, तू मेरे बाल देखकर खुश हो रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? पानी डाल दिया, बुरी जगह क्या? तेरे को सही का। मेरा चेला होकर मुझ पर ही हंस रहा तुमने। बालवीर को तो मैंने मायावी महल पहुंचा ही दिया, अब परियों की बारी है। परिलोक में मैं बहुत बड़ा हमला करने वाली हूं, उसी की तैयारी करनी है। तोबा, फिर परिलोक का नामो निशान मिट जाएगा। वाह महाविनाशी, वाह, है ये अच्छा। मैं भी बेकरार देखने को परियों की हार। याद आया परियों से है क्या करना उस निकम्मी रक्षक परी का, हा? जो है हमारी कैद में। मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। तो महाविनाशी ने, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, अच्छा नहीं कर रही हो। सही कहा तुमने रक्षक पर, अच्छा तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, जो भी करना चाहती हूँ बुरा ही बुरा करना चाहती हूँ। जैसे अभी तुम्हारे साथ करूंगी कुछ बुरा। बड़ी आई रक्षक परी, कर नहीं पाई खुद की भी रक्षा, बन गई एक मूर्ति। तौबा तौबा, मुझे परिलोक पर हमला करने की तैयारी करने जाना है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। जाइए जाइए, तब तक तुम यहीं रहकर इस मूर्ति की देखभाल करना। अरे लेकिन चुप, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। ये मूर्ति टूटनी नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो रक्षक परी आजाद हो जाएगी, और अगर रक्षक परी आजाद हुई तो रानी परी को हमारी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन गिन कर रखना। लेकिन सुनिए मेरी बात तो। अरे गई छोड़ के पूछे, अपनी तो कह ली, अरे मेरी तो सुन के जाती। अरे था जाना मुझे पृथ्वी लोक, हो रही है वहां पर परिधान प्रदर्शनी, है कहते उसे क्या वो फैशन शो, रंग बिरंगे कपड़े, रैंप वॉक। ओ
आने वाला वहाँ पर भरपूर मजा, और यहाँ यहाँ रहना है एक सजा। करूँ क्या मैं? अरे निकलू कैसे यहाँ से? चली गई छोड़ के मुझे अकेला इस मनहूस मूर्ति के साथ। लेकर क्यों नहीं जाता मैं इस मनहूस मूर्ति को अपने साथ पृथ्वी लोक? हैं? ओ मैं भी बेवकूफ। क्या तोबा तोबा तुम्हें? फैशन शो। इस कमरे में तो कुछ भी नहीं, इस काली चट्टान और इन दीवारों के अलावा मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। ये चट्टान तो हिल ही नहीं रही है। अब मैं कैसे निकलूं यहां से बाहर? ये दीवार मुझे इतनी नजदीक क्यों दिख रही? ये पहले तो इतनी नजदीक नहीं थी। ये नुकीली दीवार तो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही है। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, वरना मैं इस काली चट्टान और नुकीली दीवार के बीच में नहीं, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? अरे हो बुरा उस जिद्दी महाविनाशनी का जो डाल दी मेरे गले में ये मनहूस मूर्ति। ऐ मनहूस मूर्ति, अब छुपाऊं कहां मैं तुझे? ए खेल रहे यहां पर तो बच्चे, छुपानी पड़ेगी मुझे ये मूर्ति। नहीं, देख लेंगे बच्चे इसे तो। ये है नहीं, ये ठीक जगह है, ये सुरक्षित जगह। हूँ, रख देता मैं इसे। मारी किसने ये गेंद मुझे? किसने मारा? किसने ये गेंद मुझे? अगर टूट जाती है मूर्ति तो मजा आता। अरे हमारी ये गेम से अच्छा तो ये गेम है, चलो इस मूर्ति को निशाना लगाते। भगा के इन कमबख्त बच्चों ने मुझे, है सारा दोष उस महाविनाशनी का जिसने दे दिया मुझे ये बेकार सा काम इस मनहूस मूर्ति को संभाल के रखने का। ऐ मनहूस मूर्ति, अब छुपाऊं कहां तुझे समय संभाल के?
इस मूर्ति को छुपाने की रहेगी, यूं तो ये सबकी नजरों के सामने और नहीं जाएगा किसी का विशेष ध्यान इसके ऊपर, क्योंकि है चल रही यहाँ पर तो पहले से ही सजावट तरह तरह की। तोबा तोबा जी, मान गए आपके शातिर दिमाग को। होता है कभी कभी फक्र मुझे आप पर। कैसे निकलूं यहाँ से? चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ, मैं आपको खुशी होने दूंगा। हाँ बेटा, बेटा मन ने अपनी चिंता नहीं है, मन थारी चिंता है, अपना ख्याल रखना बेटा। ये देखो, ये जादुई सुई धागे ने बनाई है और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ? वाओ, और ये देखो, ये है मेरी ड्रेस। कैसी है? मैंने और मैंने बिल्कुल जादुई ड्रेस की तरह सेम टू सेम ड्रेस बना दी। कैसी है? अब सबके पास सेम टू सेम ड्रेस बन गई है। अरे मानव, नेहा, याद है बालवीर ने क्या कहा था कि फाइनल शो में ये ड्रेसेस गायब हो जाएंगी? हाँ हाँ याद है। चलो अब हम इस जादुई ड्रेस को इस बैग में डाल देते हैं और इस असली ड्रेस को टांग देते हैं। और मेहर, तू तेरी जादुई ड्रेस इस बैग से निकालना मत, हम सब भी अपनी अपनी जादुई ड्रेस इसमें डाल देते हैं। दे मान, डाल दे। हाँ ठीक है, अच्छे से रख दिया। मानव, मैंने तुझे कहा था कि ये ड्रेसेस को रख, तूने तो फेंक दी। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये जादुई ड्रेसेस तो गायब होने वाली है। चलो ठीक है, अब ये असली ड्रेसेस को हम टांग देते हैं। हाँ चलो, हमारा काम हो गया। अरे नहीं, अभी तो तैयारी करनी बाकी है। चलो। हाँ चलो जल्दी। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, खुद को बहुत होशियार समझते हो ना तुम। अब देखना मैं तुम्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। अरे मोंटू बॉस, फिर तो आप और वो दोनों सेम हो जाओगे, उल्लू उल्लू। आयो बकवास कही के पहले मेरा प्लान सुन और बाद में अपनी घटिया कॉमेडी करना। बॉस कॉमेडी कहाँ, मैं तो सीरियसली बोल रहा था। चुप, मेरा प्लान सुन। जादुई सुविधा का वाली ड्रेस है ना, यहाँ लटकाएंगे और ये ड्रेस हम लेके जाएंगे, समझा? क्यों, आप उसे पहन लोगे? वाह मेरे लाल, क्या जोक मारता है ना तू। गधा कहीं का, तुझे लगता है ये ड्रेस मुझे फिट आएगी? हाँ नहीं, सुन, वो जादुई सुविधा का वाली ड्रेस हमें यहाँ लटकाएंगे और ये ड्रेस हम चुपके से लेके जाएंगे और कहीं छुपा देंगे, और फिर ये ड्रेस शो शुरू होने से पहले गायब हो जाएगी और फिर उन पिद्दियों के पास कुछ बचेगा ही नहीं पहनने के लिए। वाह रोहित वाह, क्या प्लान बनाया तूने, हैट्स ऑफ। तूने प्लान बनाया? मतलब आपने बनाया क्या, मैंने बनाया क्या, वन इन द सेम ना, तो मतलब मैंने ही बनाया। ठीक है ठीक है, चाल बड़ी आसान,
और है ये बड़ी मुश्किल, ये बिल्ली की चाल है, क्या कहते पृथ्वीवासी इसे, कैट वॉक। तो बा, वो कर लेता और थोड़ा थोड़ा अभ्यास इस चाल का। क्यों रक्षक परी, हे आराना तुम्हें मजा मेरी बिल्ली की चाल देखकर, है कर रहा तुम्हारा भी मन ना ये बिल्ली की चाल चलने को, है मुझे पता। अरे रे पर करो क्या, मैं हो बन गई तुम तो एक मूर्ति, अब वो क्या कर सकता मैं इसमें। नहीं, रक्षक परी, रोना नहीं। अब है मेरी किस्मत अच्छी, इसमें है तुम्हारा क्या कसूर। चित्रंजन दास, मनोरंजन दास चैटर्जी और चिट्टो, कहाँ थे तुम इतने टाइम? वो मैं, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे क्या करना जान के तुम कहाँ थे कहाँ नहीं थे। तुम नहीं थे तो लाइफ में शांति थी। उड़ी बाबा, आज बड़ा मूड में दिख रहा है, बड़ा टशन दिखा रहा। हाँ टशन तो दिखाएगा ही ना, क्योंकि मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी ये फैशन शो कंपटीशन जीतने वाला है, तो अब टशन में रहने का, टशन में स्टाइल करने का, फुल एकदम झक्का। सॉरी बस 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 बस, अब कुछ कैटवॉक की प्रैक्टिस की है या ऐसे ही हवा में उड़ रहा है? बेवकूफ चिट्टू, भूल जा, तुमने मुझे ये छाता गिफ्ट किया था। ओ तो मैं कैटवॉक थोड़ी, मैं छाते की मदद से फ्लाइंग कैटवॉक करूंगा, है ना? चल मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। ब्रिलियंट बॉस, बॉस होकर। चलिए है खेलते कोई अनोखा खेल अपना मन बहलाने के लिए। क्यों डूबा डूबा भाइयों? नहीं डूबा डूबा, बालवीर के जाने के बाद हमें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। परियों, बालवीर जहां कहीं भी है बहुत खुश है, और हम सबको भी बालवीर की खुशी के लिए खुश होना चाहिए, उदास नहीं। रानी परी, रक्षक परी, आप यहां? हमने तो आपसे कुछ दिनों के लिए विश्राम करने के लिए कहा था। क्या
रानी परी, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो आप सबसे काफी समय के बाद मिल रहे हैं। हमें कई सालों तक भयंकर परी ने अपनी कैद में रखा हुआ था। क्या? ये आप क्या कह रही है रक्षक परी? मतलब है महाविनाशनी ने बालवीर की मां का रूप लेकर बालवीर को अपने साथ ले गई है। रानी परी, हमारा बालवीर इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें बालवीर को महाविनाशनी से बचाना होगा। रानी परी, हमें बालवीर को बचाना होगा। मानव, महर, फैशन शो शुरू होने में 2 घंटे बाकी है। हम लोग जल्दी से अपने ड्रेस पहन लेते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कैटवॉक की। हाँ। देखा ना, हमने कहा था ना कि फाइनल्स के पहले वो जादुई ड्रेसेस गायब हो जाएंगे, और देखो वो गायब हो गई। हाँ, अच्छा हुआ अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। अब हम सबके पास अपनी अपनी सिंगल ड्रेस बची है। हाँ। ले ले, ये देखो। हाँ। हाँ? अरे ड्रेस कहाँ गायब हो गई? क्या हो गया? ये सब क्या हो रहा है? हमारी ड्रेसेस अपना गायब कैसे हो गई? कुछ ही समय में फैशन शो शुरू होने वाला है और हमारे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारी आंखों के सामने सब गायब कैसे हो गया? मेहर, अब इसका जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। कौन? बालवीर। चल बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर! ये सारी सीढ़ियां मेरे साथ एक खेल खेल रही। अगर मैं इनकी चाल और गति को समझ लूं तो मैं अपनी माँ तक पहुंच जाऊंगा। ये सारी सीढ़ियां एक निश्चित गति से चल रही है और इनकी चाल का एक निश्चित क्रम भी है। बस एक बार मुझे इनकी चाल और क्रम के बारे में पता चल जाए, मैं इस सारी सीढ़ियों के खेल को समझ लूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि बालवीर किसी और बच्चे की मदद करने में व्यस्त हो, इसलिए नहीं आ रहा है। अब हमें ही हमारी हेल्प करनी होगी। लेकिन कैसे? बिना स्पेशल कपड़ों के हम क्या करेंगे? हाँ, बिना स्पेशल कपड़ों के हम फैशन शो में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। नहीं, हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कैसे? मेरे पास एक प्लान है। अरे, ये मानव महर ने कहा है? मानव महर नहीं आती है। ये देखो मेरी जेब में, लो आके ले लो। इन पिद्दियों को वो तीनों जिंदगी में नहीं मिलेंगे। बैठे होंगे कहीं कोने में रोते हुए। और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि रोहित क्या चीज है। मतलब कि मोंटू बॉस क्या चीज है। ये ले मोबाइल फोन। थैंक यू। कहाँ से मिला? बड़ी मुश्किल से वॉचमैन अंकल से मांग कर लाया हूँ। थैंक यू। एक बार फिर सोच ले, हम कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना?
जल्दबाजी तो करनी पड़ेगी ना नेहा, क्योंकि अभी फैशन शो शुरू होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो बाद में कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे, समझी? उठाओ फोन, उठाओ। हेलो मम्मी। अरे रोहित, बस कर, रैंप वॉक के लिए भी कुछ छोड़ गया नहीं? अरे प्रियंका, मेरा ब्रश किधर है? अरे वो देख वहाँ है, ले लेना। बच्चों सब रेडी है? हाँ सर। सबको पता है ना क्या करना है? हाँ। अपना टर्न आने पे स्टेज पे जाना है और स्टेज से वापस आना है, और सबसे एंड में जाएंगे मानव मेहर और नेहा। ये मानव मेहर नेहा नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे? पता नहीं सर, हम भी उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं मिले? ऐसा थोड़ी होता है कहीं नहीं मिले। अरे वो तो शो स्टॉपर है, वो नहीं मिलेंगे तो शो कैसे होगा? एनीवेज वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, वो लोग समझदार है, रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, आ जाएंगे, इसके जैसे नहीं। कम ऑन, गिव मी अ प्लेस टू गो। अरे हंट। हर 40 पल में ये सीढ़ी यहाँ से वहां घूम कर जाती है, और वो सीढ़ी वहां से निकलकर यहाँ आके रुकती है, फिर वो सीढ़ी वहां से कटकर यहाँ माँ के दरवाजे के सामने आकर रुकती है। एक, दो, तीन। मेरा हाथ पकड़िए, छोड़िएगा मत। ना बेटा, अब तारा हाथ और साथ कभी ना छोड़ूंगी। चलिए। ए, खाने के लिए देना। अबे ओए चिट्टो, ये क्या कर रहा है तू? ये कैसे कपड़े पहन के आया? ए चिट्टू, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, फैशन शो कंपटीशन है। ये देख, पढ़, समझा? मुझे समझा? तुझे नहीं समझा। ये मेरा लेटेस्ट फैशन है, एक बार स्टेज पे जाएगा तो सब सपने में आ जाएगा। हंसना बंद करेगा तो तब बॉस कुछ नहीं बोला पाउडर। अरे चिट्टू, तू मोंटू बॉस के लिए कुछ नहीं वाला पाउडर ला, तू मेरे लिए गुलाल पाउडर ला। हाँ जी तो बॉस 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 नहीं नहीं, आपके आपके लिए नहीं, तो बच्चों के लिए। बच्चों के? हाँ, फैशन कंपटीशन में बच्चों लोग भाग लेगा ना। हाँ? हमें खुजली वाला पाउडर उनपे डालेगा, उनको खुजली होगा
वो ठीक से चल नहीं पाएगा और हम फैशन शो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा, हमको बख्शिश मिलेगा। नहीं, सिर्फ मैं, सिर्फ मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी ये फैशन शो कॉम्पिटिशन जीतेगा। हाँ हाँ बॉस, ओके ओके आप ही जीत लेना, पहले मेरा पूरा बात तो सुन लो। ये देखो शादी जॉल, ये खुजली वाला पाउडर का खुजली सिर्फ और सिर्फ इस जादुई जल से ही मिल सकता है। वाह चिट्टू, खुजली वाला पाउडर और जादुई पानी, अब मुझे बस ब्यूटी पाउडर का खाली डिब्बा चाहिए, उसके अंदर मैं खुजली वाला पाउडर डालूंगा और सारे बच्चों पे डाल दूंगा। पर खाली डिब्बा, अरे डोंट वरी बॉस, ये देखो बॉस, मैं घर से फैशन शो के लिए दो पाउडर के डब्बे लेके आया था, उसमें से एक खाली हो गया और एक भरा हुआ है। शाबाश, भरा हुआ डिब्बा तू रख, मुझे तो बस खाली डिब्बे की जरूरत थी। Thank you very much. So, respected judges and my dear respected audience, और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एबीपी विद्या मंदिर फैशन शो कॉम्पिटिशन में स्वागत है। तो जोरदार तालियों के साथ एबीपी विद्या मंदिर फैशन शो कॉम्पिटिशन शुरू किया जाए। Yes! भाइयो, इस डिब्बे के अंदर मैंने खुजली वाली पाउडर डाल दी है। वेरी गुड बॉस। ए रोहित, तू आज बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, तेरा ये ब्यूटी पाउडर मुझे देना, मैं गॉल पे लगाएगा, सुंदर दिखेगा। अरे चिट्टू, तू ये पाउडर मत लगा, तू चूना लगा, एकदम मस्त दिखेगा। मेरी बहुत बेइज्जतियां हुई है, लेकिन आज तक ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की। ये चित्रंजन दास, मनोरंजन दास चटर्जी, तुम्हारा ये ब्यूटी पाउडर लेकर ही दम लेगा। तो ले ले। Stand up and tell me, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं वो। कुछ नहीं तो कुछ करो, मेरे काम में हेल्प करो, रिहर्सल करो, सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते, कुछ नहीं। हाँ? नहीं। रुको। अरे मोंटू बॉस, एक कंफ्यूजन है कि इन दोनों डब्बों में से खुजली वाला पाउडर किस डब्बे में है।
मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। मेरे हाथ में जो डिब्बा है ना वो 101% खुजली वाला पाउडर है। चलो नीचे। अब ठीक तो है ना? जिसका थारे जैसा लाल हो उस माँ को क्यों हो सके बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक है ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। बस अब इस महावी महल से हम यहाँ से बाहर निकल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जा सकते हो। रोहित अब देखना ये लोग रैंप पे कैसा खुजली डांस करेंगे। चल खुजली वाला पाउडर इन दियो पे असर क्यों नहीं हो रहा है? अरे वो सब छोड़ पहले ये सोच ये काम क्यों नहीं कर रहा है? चित्रंजन दास मनोरंजन दास चटर्जी आप तो सुंदर बनेगा। अरे चिट्टू वो पाउडर मत लगा। सही बात ये ब्यूटी पाउडर है। मैं सुंदर बन के रहे। अरे तेरे सुंदर बेवकूफ। अरे मैं सुंदर पाउडर मत लगा। अरे खुजली का पाउडर है। खुजली खुजली नहीं। अरे बेवकूफ चिट्टू मैं कब से बोल रहा था कि ये खुजली का पाउडर है। अरे अरे खुजली खुजली हो रहा है। अरे मैं क्या करूँ तुम ही करो। वो है ना जादुई झोल। जादुई झोल अरे तुझमें क्यों डालू? तुझे तो थोड़ा सा लगेगा मेरे पे डाल तो। बॉस खुजली वाला पाउडर वो। चुप। महर तुझे लगता है कि हम इतने कम टाइम में सब कुछ मैनेज कर पाएंगे? नेहा
हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। पर मेहर, मानव, अगर हम लोग हिम्मत हारेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मानव, मेहर, तुम्हारे मम्मी पापा ने पैकेट दिए। मैंने कहा था ना। अरे वाह, लाइए लाइए अंकल, इसी का तो इंतजार था। थैंक यू अंकल, थैंक यू। चलो इसे खोलते हैं। चल चल चल। मानव महर, ये तो सिंपल से कपड़े हैं। हम ऐसे कपड़ों के साथ कैसे पार्टिसिपेट करेंगे फैशन शो में? हाँ महर, ये सिंपल से कपड़ों को हम फैशन शो के लायक कैसे बनाएंगे? सब हो जाएगा, तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी तक नहीं आए। अरे वो लोग शो स्टॉपर थे, वो लोग नहीं आए तो शो स्टॉपर कौन बनेगा? कौन बनेगा शो स्टॉपर? मैं बनूंगा आपका शो स्टॉपर। तुझे शो स्टॉपर बना के मुझे मेरा शो स्टॉप नहीं करवाना। सर देखिए, इनमें से किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया सिवाय मेरे। देखिए सर, आपके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे शो स्टॉपर बना लीजिए, मैं आपको परेशान कर दूंगा। परेशानी से दूर कर दूंगा। बॉस आपको परेशानी से दूर कर देंगे सर। ठीक है ठीक है, मजबूरी का नाम मंटू लखानी, लेकिन खबरदार मंटू अगर कोई गड़बड़ की तो। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखना मैं ऐसा उड़ता हुआ परफॉर्मेंस दूंगा कि आप उसे जिंदगी भर याद रखोगे। एक मिनट, उड़ता हुआ परफॉर्मेंस मतलब क्या? हाँ मतलब होश उड़ाने वाला परफॉर्मेंस दूंगा सर। मेरी एंट्री ना ऐसे होश उड़ा देने वाली होगी। चलो चलो सब लोग, चलो चलो। हाँ चलो, मेरे होश ना उड़े तो अच्छा है। महर बता तो दे, तूने क्या सोच के रखा है? हम इन सिंपल कपड़ों को फैशन शो के लायक कैसे बनाएंगे? बताती हूँ मानव नेहा, स्कूल की तरफ से हम बच्चों के लिए एक मेकअप दादा और एक टेलर अंकल का अरेंजमेंट किया गया है। अब हम उन्हीं की मदद लेंगे। मेहर, अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो फिर हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। देख वो लोग तो अपना अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। टेलर अंकल, मेकअप दादा, एक मिनट हमारी बात सुनिए। देखो बच्चों, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गए, लेकिन हमें दूसरे फंक्शन पे जाना है, हम नहीं रुक सकते बच्चों। हाँ बच्चों, चलो मास्टर साहब। प्लीज रुक जाइए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हम इस फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे पास फैशन शो में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं बची है। हाँ? लेकिन बच्चों फैशन शो तो शुरू हो चुका है, अब क्या करोगे ये ड्रेस सिलवा के? हमें पता है अंकल, लेकिन हमारा रैंप पे जाने का नंबर सबसे लास्ट है। हाँ, और उस हिसाब से हमारे पास अभी भी 50 मिनट बाकी है। मानव, नेहा, हमारे पास 50 मिनट है, इसलिए हमें डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि टेलर अंकल और मेकअप दादा की मदद से हमारा काम पूरा हो जाएगा, है ना अंकल? लेकिन बच्चों मेरी बात तो। प्लीज अंकल, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अंकल कैसे भी करके एडजस्ट कीजिए ना, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज, हमारे पास सबसे एक ही रास्ता है। ओके बच्चों ठीक है। थैंक यू अंकल। लेकिन बच्चों मुझे ये तो बताओ कि करना क्या है। हम अभी बताते हैं। मानव चलो। भौरा
मम्मा अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कोई ना कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। वो देखिए मां, महल की छत से रोशनी की किरण महल के अंदर आ रही है, यानी वहां से बाहर जा सकते हैं। बेटा हमारे साथ तू वहां तक ना पहुंच पावेगा। तू हमारी चिंता छोड़ दे, अकेला चला जा बेटा। नहीं मां, मैं ना ही आपकी चिंता को छोड़ सकता हूँ और ना ही आपको। हम दोनों यहां से बाहर निकलेंगे। हाँ, हमें कैसे भी करके ऊपर पहुंचना होगा। कैसे? चलो बस, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो, अब मेरी बारी है। हाँ। बॉस, तेरी बारी नहीं, मेरी बारी है। आप मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। ए चुट्टू, तेरी चटनी बना दूंगा। मेरी बारी है, तू निकल रही है। ए, मेरी बारी है, तू निकल अंदर से। वहाँ पे मेरा स्टेज खाली पड़ा और तुम लोग यहाँ पे बैठ कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर? ए, बॉस, निकल जा। ए, मेरी बारी है। हेलो सर, गए क्या वो लोग? हाँ, चले गए। तो आप भी जाइए। मशीन की सुई टूट गई बेटा। हाँ? तो अब क्या होगा अंकल? क्या हम नई सुई ला सकते हैं? बेटा नई सुई लाने में कम से कम आधा घंटा जाएगा। हाँ? क्या आधा घंटा? नहीं अंकल, हमारे पास तो सिर्फ 10 ही मिनट बचे। अंकल अब बाकी बचे हुए ड्रेसेस में हाथ से मोटे मोटे टाके लगा दीजिए, बाकी का काम हम सब संभाल लेंगे। हाँ प्लीज अंकल, जल्दी कीजिए। जल्दी प्लीज, बन जाएगा ना। तुम्हें वो कुफ कहीं के मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया, पर कोई बात नहीं, अब मैं शेष पे जाऊंगा और बाकी का बच्चा को जाना भी मिट्टी में मिला दूंगा। बेवकूफ, अब देख मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी स्टेज पे आएगा और छा जाएगा। ये छाते चल, ले चल मुझे स्टेज पे। अरे छाता खुल क्यों नहीं रहा? मारो ओ मुंडू बॉस, और हमें छाता से मारो। हाँ, जैसा हमको लगता है उसे छाता को भी लगता है। अब छाता बिगड़ गया ना। बिगड़ गया, छाती को लगता है। देख अभी छाता खुलेगा। बॉस बॉस, ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करो, ये जादू छाता है। नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा? अरे चिट्टो, तुझे सुबह से कोई मिला नहीं तो तू मुझे बेवकूफ बना रहे। अब देखना मैं स्टेज पे कैसे उड़ते हुए एंट्री मारता हूँ। बस 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 बस, मेरी बात सुनो बॉस।
मेरे जादू डर ने हमेशा मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है, लेकिन आज इसमें शक्तियां ही नहीं है ये मेरी मदद कर सके। पता नहीं अब मैं ऊपर तक कैसे पहुंचूंगा। रानी परी, माँ, परियो, यहां से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। रानी परी, माँ, परियो, मदद कीजिए हमारी। रानी परी, हमने बालवीर को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। पता नहीं हमारा बालवीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी, पता नहीं महाविनाश ने बालवीर को कहाँ लेकर गई होगी। हमारा मन कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हम महाविनाशनी की चाल को समझ ही नहीं पाए और हमने महाविनाशनी के साथ बालवीर को भेज दिया। सब हमारा कसूर है। नहीं रानी परी, इसमें आपके अकेले का दोष नहीं, इसमें हम सब परियां भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ, हमने बालवीर को महाविनाशनी के साथ तो भेजा ही और साथ में उनकी सारी शक्तियां भी वापस ले ली। नहीं भटका थी परी, सारी शक्तियां नहीं तो फिर। हाँ परियो, हाँ रानी परी, हमें उस औरत पर शुरू से ही शक था, इसलिए जब आप सब अपनी शक्तियां वापस ले रही थी तब हमने बालवीर से अपनी शक्ति वापस नहीं ली। हमने हमारी शक्ति बालवीर के पास ही रहने दी। बस अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी वो एक शक्ति बालवीर के किसी काम आ जाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए। ये तो माँ की शक्ति है, यानी माँ ने अपनी शक्तियां वापस नहीं ली। माँ को पता था उनकी दी हुई ये शक्तियां कभी ना कभी मेरे काम जरूर आएगी। शुक्रिया मां, शुक्रिया। चलिए मां। मां, हमें परिलोक चलना चाहिए, चलिए। खन्ना जी, जी मैडम निर्मला जी, अब हम इस फैशन शो का विनर डिसाइड करते हैं। ओके जी। ओके ओके, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया माँ।
आपकी दी हुई शक्तियों की मदद से मैं खुद को और अपनी माँ को मायावी महल से बाहर निकाल पाया। माँ? हाँ, यही है मेरी असली माँ। महाविनाशिनी ने इनको कैद करके रखा था और इन्हीं की ममता को महाविनाशिनी ने अपने अंदर समाकर ये पूरा खेल खेला। बालवीर, हम सब जानते हैं, आप निश्चिंत रहे, हम महाविनाशिनी को इस किए की कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सर, 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 एक मिनट, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज सर, एक्चुअली कंपटीशन के कुछ बच्चे अभी बाकी हैं। क्या है कि कुछ कारणवश वो लोग आते आते मतलब लेट हो गए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें स्टेज पे आने की परमिशन दी जाए। बॉस,